हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशंस कर रहे थे और लास्ट जो वीडियो अगर आपने देखा हो तो हम लोगों ने जो काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं पोजीशन x, वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a और टाइम t, इसमें दो रिलेशन कर लिए थे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी और a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये दो रिलेशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिए थे और मैंने ये भी बताया था कि कैसे dv बाई डी टी वी dv बाई dx बन जाता है। तो चार जो जनरल रिलेशन है इसमें से दो रिलेशन हम लोगों ने कर लिए थे, अब हम लोग करेंगे तीसरे और चौथे पे, तीसरे और चौथे को करेंगे। तो देखिए ये dx बाई डी टी, dv बाई डी टी, वी dv बाई dx ये डिफ्रेंसिएशन से आए हैं और आपको मालूम है कि डिफ्रेंसिएशन का जो रिवर्स प्रोसीजर होता है वो होता है इंटीग्रेशन। तो इन्हीं इक्वेशंस को पलट के लिख दें, इन्वर्ट करके लिख दें, इंटीग्रल फॉर्म में लिख दें तो हमारी अगली दोनों सेट ऑफ इक्वेशंस निकल आएंगे। क्या करें, देखिए v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, मैथमेटिकली भी बताऊंगा और उसकी मीनिंग वाइज भी बताऊंगा। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करके पार्ट्स में ला रहे हैं तो उसको जोड़ करके हम इंटीग्रेशन बना सकते हैं। जैसे मतलब क्या है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी, dx इज इक्वल टू वी डी टी, डी टी को दूसरी साइड लिया है। मैथमेटिकली तो dx इज इक्वल टू वी डी टी का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो मतलब हुआ। अब ये बताइए कि अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx वी डी टी, वी इंटू छोटा सा टाइम है, तो जो बड़ा सा एक टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उस बड़े से डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को अगर x2 माइनस x1 लिख दे तो वो क्या होगा। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है समेशन, जोड़ना। तो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का सम होगा, यानी इन dx का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। उसी को हम लोगों ने लिख दिया इंटीग्रल dx फ्रॉम x1 टू x2, x1 से x2 के बीच में पूरा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का सम। मैंने क्या बताया था, डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो ये बन गया x2 माइनस x1, पूरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इंटीग्रल dx, dx खुद क्या है वी डी टी, तो x2 माइनस x1 क्या बन गया, इंटीग्रल वी डी टी। बस आ गया हमारा थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज x2 माइनस x1 इंटीग्रल वी डी टी। और आप देख रहे हो कि इंटीग्रल फॉर्म है, तो दो डिफरेंशिएशन वाले थे और दो इंटीग्रल वाले हैं, और उसमें जो हमारी काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन में बोले नंबर वन v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दूसरा बोलो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एक्स, तीसरा बोलो तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी को पलट कर लिख दिया तो डी एक्स वी डी टी, इंटीग्रेशन लगा दिया तो क्या बन गया x2 माइनस x1 इंटीग्रल वी डी टी। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन होता है, वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट कर दो और लिमिट्स रख दो, x1 जिस मोमेंट पे है और x2 जिस मोमेंट पे है वो टाइम की लिमिट्स रख दो तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसको पढ़ोगे कैसे, डिस्प्लेसमेंट इज इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली क्या बोलोगे, x2 माइनस x1 इज इंटीग्रल वी डी टी। और इसका मतलब क्या है कि जो x2 माइनस x1 बड़ा ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट है वो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का सम है, इंटीग्रेशन की मीनिंग है। इसका मतलब जो हमारी चौथी इक्वेशन होगी वो भी ऐसे ही आएगी, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी अगर लिखा हुआ है तो उसको लिखोगे डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे इंटीग्रल डीवी, डीवी का मतलब छोटा सा वेलोसिटी में चेंज। ये देखिए डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, डीवी का मतलब छोटा सा वेलोसिटी का चेंज। तो अगर हमें एक बड़े टाइम इंटरवल में वेलोसिटी में चेंज चाहिए यानी कि v2 माइनस v1 चाहिए तो छोटे छोटे चेंज का सम, सम मतलब इंटीग्रेशन। तो बन जाएगा v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल डीवी, डीवी क्या है ए डी टी, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। ये हमारी आगे चौथी इक्वेशन। तो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एक्स, तीसरी x2 माइनस x1 इंटीग्रल वी डी टी और चौथी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। तीसरी क्या थी, x2 माइनस x1 इंटीग्रल वी डी टी, चौथी क्या है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ए डी टी। तो जो चौथी इक्वेशन v2 माइनस v1 इंटीग्रल ए डी टी और तीसरी इक्वेशन x2 माइनस x1 इंटीग्रल वी डी टी है, ये दोनों इंटीग्रेशन से आई हैं। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये डिफरेंशिएशन से आए हैं। अब इस पे आते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करते हैं। तो x2 माइनस x1 इंटीग्रल वी डी टी पे क्वेश्चन करते हैं जो मॉड्यूल्स में दिए हैं आकाश और एलन के, फिर जी के, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और ये नीट में जेई मेंस से बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन v दे रखा a sin ओमेगा t, अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट बताओ इस पार्टिकल का जिसकी वेलोसिटी a sin ओमेगा t है और कोई टाइम इंटरवल ले लेते हैं तो 0 से 2π/ω इस टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट बताओ। वैसे मैं आपको बता दूं v इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी साइनोसॉइडल फंक्शन है, जिन्होंने 11 की फिजिक्स पढ़ रखी होगी उन्होंने देखा होगा कि साइनोसॉइडल फंक्शन है जो पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड होता है, और एक टाइम पीरियड में डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पीरियड बाद कोई साइनोसॉइडल साइकिल होगी तो घूम फिर के वहीं भी आ जाएगी, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। तो कुछ कुछ वैसा ही है, बट एनीवे हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो मैंने लिखा x2 माइनस x1 इंटीग्रल वी डी टी ए साइन ओमेगा टी डी टी, ए बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ये रहा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ओमेगा बाहर ले लिया कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी में लिमिट्स लगानी है, माइनस है इसलिए क्या करते हैं लिमिट उल्टी कर देते हैं, वैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट माइनस अपर कर देंगे, जीरो से 2 पाई बाय ओमेगा था, हम 2 पाई बाय ओमेगा से जीरो कर देंगे माइनस को हटाने के लिए। अब रखते हैं लिमिट, जब जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 और 2 पाई बाय ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कट गया कॉस 2 पाई, 2 पाई फिर से कॉस जीरो होता है तो कॉस जीरो की वैल्यू 1, 1 में से 1 गया तो जीरो, तो यानी कि देखिए डिस्प्लेसमेंट एज प्रेडिक्टेड जीरो आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 और वेलोसिटी इसकी निकालनी है तो 2t माइनस 2 डिफ्रेंशिएट करके आया, 1 का हो गया जीरो, ठीक। हमने इसको किसी मोमेंट पे t रखा तो वेलोसिटी, ये तो खैर x से v निकालने वाला था, मेरा उल्टा एम था, मेरा एम था कि अगर एक पार्टिकल की ये जो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाली है 2t माइनस 2, ये इसी क्वेश्चन की जो एक्स टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 में बता रहा था, अगर मुझसे इससे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो क्या करेंगे, v इज इक्वल टू 2t माइनस 2 से डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए और कब से कब पूछा जाए, 0 से 2 के बीच में, करते हैं। मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, तो 2t माइनस 2dt, लिमिट लगा दी 0 से 2 क्योंकि मुझे 0 से 2 सेकंड में पूछा गया था, 2t 2 बाहर आ गया, t का हुआ t dt का हुआ t स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कट गया t स्क्वायर माइनस 2, 2 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रल dt t, t स्क्वायर माइनस 2t, लिमिट कितने से कितने 0 से t, तो 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0 आ गया, 0 पे तो 0 आना ही आना है, 4 माइनस 4 0, तो देखिए 0 से 2 में इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया, ठीक। तो ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला है, कैसे निकाला, इंटीग्रल वी डी टी से। और आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोगों ने ग्राफ जो है करेंगे वीडियो, x2 माइनस x1 इंटीग्रल वी डी टी, जैसे डिफरेंशिएशन ग्राफ में स्लोप होता है वैसे इंटीग्रेशन ग्राफ में एरिया बताता है, तो अगर हम वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाएंगे, देखिए बना हुआ है, और हम इसको लिमिट रख दे t1 से t2, तो ये जो एरिया होगा वेलोसिटी टाइम कर्व का, ये हमको डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा हमको डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमें vt कर्व का एरिया से मिलेगा। तो देखिए ये एक मैंने v इज इक्वल टू 2t माइनस 2, ये वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बना रखा है, mx माइनस c है, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप प्लस 2 है पॉजिटिव, यानी कि देखिए एक्यूट एंगल बना रही है, इंटरसेप्ट माइनस 2 नेगेटिव, ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इस लाइन का एरिया निकाल लूंगा, कब से कब चाहिए, तो v इज इक्वल टू 2t माइनस 2, देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया था v इज इक्वल टू 2t माइनस 2 डिस्प्लेसमेंट 0 से 2 सेकंड, वही वाला क्वेश्चन है, पहले इंटीग्रेशन से किया था, अब मैं ग्राफ के एरिया से करने जा रहा हूं, तो मैंने ये लिमिट रखी 0 से 2, 0 पे देखिए वेलोसिटी कितनी है माइनस 2, ये देखिए माइनस 2 है, 2 पे कितनी है तो 4 में से 2 गए प्लस 2, ये प्लस 2 है। अब देखिए जितना यहाँ से यहाँ तक ये नेगेटिव एरिया है उतना ही यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव एरिया है, ये जो लाइन जा रही है 1 पे कट करते हुए जा रही है, तो जब हम इसका पूरा एरिया निकालेंगे साइन के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव एरिया को साइन के साथ रखेंगे तो नेट एरिया 0 आएगा, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 0 आएगा, बट डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब ये नहीं कि डिस्टेंस भी 0 आएगी, डिस्टेंस जो होती है वो पार्टिकल चाहे लेफ्ट चले चाहे राइट चले वो हमेशा ऐड होती है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम पॉजिटिव वाला एरिया भी पॉजिटिव लेंगे और नेगेटिव वाला एरिया भी पॉजिटिव लेंगे, तो जब हम दोनों जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे भी देखिए मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो अगर जैसे कोई वीटी कर्व है उसमें कुछ पार्ट पॉजिटिव है और कुछ पार्ट निगेटिव है, तो जो ऊपर वाला एरिया है और नीचे वाला एरिया उनमें प्लस माइनस का साइन लगा दो, डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम इनको साइन के साथ लेंगे, देखिए प्लस का a1 माइनस का a2, बट डिस्टेंस चाहिए तो सब प्लस लेंगे, ये भी प्लस क्योंकि पार्टिकल चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए हमें दोनों प्लस लेना होगा डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है एक्युमुलेट होती है। तो देखिए इसी क्वेश्चन में ये वाला एरिया मैंने निकाला हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, हाफ इंटू 2 इंटू 2, तो ये आया हाफ इंटू 2 इंटू 1, सॉरी हाफ इंटू 2 इंटू 1 क्योंकि ये t इक्वल टू 1 है तो ये आया 1, ये भी आया हाफ इंटू 2 इंटू 1 क्योंकि ये भी 1 सेकंड का इंटरवल है तो ये भी आया 1, 1 प्लस 1 2, तो टोटल डिस्टेंस इसमें चाहिए तो वो 2 आएगी, डिस्प्लेसमेंट कितना आया था हमारा 0। सेम चीज हम लोग v2 माइनस v1 इंटीग्रल एडीटी के लिए करेंगे, हमें अगर एक्सेलरेशन दे रखा है जैसे e की पावर 2t प्लस 3 और हमें 0 से 1 हमें वेलोसिटी में चेंज चाहिए तो सिंपली इंडिकेट कर दिया e की पावर 2t का e की पावर 2t बाई 2 और ये जो 3 था ये बन गया 3t और लिमिट रख दी 0 से 1, 1 रखेंगे तो t की जगह तो ये आएगा e की पावर 3 बाई 2 प्लस 3 और अगर 0 रखेंगे तो ये 3t तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर 0 बाई 2 आएगा, e की पावर 0 1 होता तो ये आंसर आ रहा है हमारा। बाकी ग्राफ वेलोसिटी में चेंज at कर्व का एरिया होगा, सेम चीज ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला टाइम एक्सिस के वाला नेगेटिव। तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमें काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज करना हो तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, a इज इक्वल टू dv बाई dt और इंटीग्रल वी डी टी एक्स टू माइनस एक्स वन, इंटीग्रल ए डी टी वी टू माइनस यू वन को कैसे यूज करेंगे। और लास्ट के दो की मैंने मीनिंग बताई कि इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं लिमिट्स के साथ, डिफरेंट इंटीग्रेशन, और एरिया भी निकाल सकते हैं, और एरिया साइन के साथ लेना होता है। वेलोसिटी में चेंज ए टी कर्व का एरिया है, पोजीशन में चेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट